नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने एक और नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एक्टिविटी यानी यहाँ पर डबिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, उसके साथ साथ आवाज़ रिकॉर्डिंग और हमारे सॉन्ग्स, ये सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की एक ऐसी शख्सियत जो थी भी और नहीं भी। रामायण में उनका नाम ज़रूर था लेकिन वो खुद नहीं थे। हम बात कर रहे हैं जयदेव जी की। जयदेव जी एक बहुत बड़े संगीतकार थे जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग दिए। चलिए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। मैं कुछ बताने से पहले आपको बता दें, जो जितना मशहूर होता है वो उतना ही अंदर से टूटा हुआ होता है। यही कुछ जयदेव जी के साथ हुआ। हालांकि इनके पास बहुत सारी फिल्में थीं, बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन इनका अंत समय बहुत ही बुरा रहा। चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। इनका जन्म हुआ कीनिया में। कीनिया से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद पंजाब आए, पंजाब से पहुंचे मुंबई। यानी इनका सफर घूमता ही रहा, कभी कहीं तो कभी कहीं। इनको संगीत का शौक था और संगीत की पूरी शिक्षा लेने के लिए किसी अच्छे गुरु की तलाश थी और वो इनकी तलाश खत्म हुई लखनऊ जाके। गुरु अली अकबर खान का इनको सानिध्य मिला। अली अकबर खान साहब के साथ मिलकर दो फिल्मों में काम किया, एक आंधियां और दूसरी हम सफर। इसमें जयदेव जी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया लेकिन बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ये फिल्म जोरू के भाई में नजर आए। कहा जाए ये फिल्म इनके लिए लकी साबित हुई। इसके बाद इनके पास काम की कमी नहीं रही। उसके बाद लगातार इन्होंने 40 फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अभी ना जाओ छोड़कर, ऐसे ऐसे सुपरहिट गानों में जयदेव जी ने अपना संगीत दिया। जयदेव जी संगीत में इतना डूब गए कि इनको अपनी शादी का भी ख्याल नहीं रहा। जी हाँ, इन्होंने अपनी शादी ही नहीं करवाई। इनको प्रसिद्धि, शोहरत, पैसा खूब मिला, लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह थी कि इनके पास खुद के रहने लायक मकान भी नहीं था। ये किराए के फ्लैट में रहा करते थे और अंतिम समय तो ऐसा हुआ कि इनके पास जो फ्लैट था वो भी मकान मालिक ने खाली करवा लिया। फिर ये अपने दोस्त के पास रहने के लिए आ गए थे और अपने मित्र से हमेशा ये कहते, देखो यार मेरी कैसी किस्मत है, मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है। फिर एक ऐसा समय आया जब महाराष्ट्र सरकार सभी कलाकारों के लिए एक एक मकान बनवा रही थी। इनके पास भी लेटर पहुंचा। ये लेटर पहुंचा वहां जहां पे ये रहा करते थे। उस मकान मालिक ने जहां पे ये किराए पर रहा करते थे इनके पास वो लेटर जैसे तैसे करके पहुँचा ही दिया। लेकिन अफसोस ये कि जब तक इनके पास लेटर पहुँचा उससे पहले ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मतलब कि जीते जी इनको अपना मकान भी नसीब नहीं हुआ। रामानंद सागर साहब ने अपने रामायण की संगीत की जिम्मेदारी इनको सौंपी लेकिन रामायण शुरू होने से पहले इनका निधन हो गया, अतः ये जिम्मेदारी संभाली रविंद्र जैन जी ने। आप रामायण सीरियल का कोई भी एपिसोड देखेंगे तो सबसे पहले नाम जयदेव जी का आता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय श्री राम।